डेटा खुद के खोल के रिकवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से बताइए सर। नहीं नहीं, इसमें कभी भी प्लेटर पे काम करने के लिए हेड अगर टूट जाता है, कोई दिक्कत होती है, तो इस पोर्शन को खोले ही ना। हार्ड डिस्क को मतलब डेटा आपको नुकसान हो जाए तो हार्ड डिस्क को टच मत करिए आप। हाँ जी हाँ जी, अगर कार्ड लेवल की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कार्ड होता है आपका, जो कार्ड है ऊपर लीजिए वहाँ से। अच्छा, ये कार्ड है। हाँ, हाँ। इसके कार्ड में अगर कोई दिक्कत है तो हाँ। वो चेक करवा लीजिए अपने एरिया में। हाँ। अगर हेड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हार्ड डिस्क में, मतलब तो हार्ड डिस्क ना अगर इस एरिया को ओपन ही ना करें। नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड डिस्क के पावर सप्लाई यूनिट अगर है, हाँ। ये मतलब देखिए ये दिख रहा ना पावर सप्लाई यूनिट, इसके अंदर कोई आईसी खराब है, कुछ सर्किट खराब अगर है इसको रिपेयर कर सकते हैं अगर संभावना है तो, क्योंकि डेटा इसके अंदर नहीं होता ये पावर। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत बार मेरे पास कमेंट आता, जोगेंद्र सर आपने एक वीडियो बना रखा था जिसमें डेटा रिकवरी कर लेते हैं, अब उसमें हार्ड डिस्क के बारे में बताए थे, क्या वीडियो बनाकर हम बता सकते हैं क्या SSD से भी डेटा रिकवर हो सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी पहुंचना चाहते हैं वहां पर जहां डेटा रिकवरी होता है आपके लैपटॉप और कंप्यूटर का, तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपके पक्का लाइफ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, इस समय मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर चलकर मैं दिल्ली के नेहरू प्लेस में हूं, और जहां बैठा हुआ हूं ना, ये डेटा रिकवरी करने का हब प्लेस है। मतलब यहां पर लैपटॉप के कंप्यूटर के आपके डेटा अगर डिलीट हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं तो आपका डेटा रिकवर होने की संभावना बहुत बन जाते हैं। देखिए मेरे साथ बहुत सारे पार्ट यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये हार्ड डिस्क है, ये डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क है, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, इसमें डेटा होता है, अगर आपका डिलीट हो जाता है या गायब हो जाता है रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है NVMe हमारे पास देख सकते हैं, ये NVMe है, ये इसमें डेटा रहता है, गायब हो जाता है रिकवर हो सकता है। उसके बाद कैमरे के अंदर जो ये मेमोरी कार्ड लगे होते हैं ना, इसमें डेटा होता है, कभी कभी जो है कुछ प्रॉब्लम आता है, डेटा रिकवर नहीं हो पाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, मेरे पास एक्सपर्ट इनसे बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्ट वीडियो। सर जी नमस्कार जी, दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है, और मुझे लगता है कि नेहरू प्लेस के अंदर जो कुछ ऐसी दुकानें हैं जिसमें आपका दुकान जो डेटा रिकवरी करने में एक्सपर्ट एकदम है। सबसे पहले दो शब्द कह दीजिए, अपने बारे में परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर हम। थैंक यू सर, मेरा नाम राज है, राज तंवर, हमारा अपेक्षा कंप्यूटर के नाम से यहाँ पे नेहरू प्लेस में शॉप है। डेटा रिकवरी काम कितने साल से कर रहे हैं सर आप? ये हमें हो गया करीबन 20 साल से हम रिकवरी कर रहे हैं। 20 साल से डेटा रिकवरी काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं? लैपटॉप रिपेयरिंग का भी काम है, तो मेनली काम डेटा रिकवरी का। हाँ जी, है तो जो डेटा रिकवरी करते हैं किस किस प्रोडक्ट का डेटा रिकवरी करते हैं? से लैपटॉप में मोबाइल की इंटरनल मेमोरी को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों की रिकवरी कर रहे हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर जो इंटरनल मेमोरी होता है उसका छोड़ करके और हाँ। जितने भी चीज़ें उसका डेटा रिकवरी कर हाँ। लेते हैं, मतलब लैपटॉप की हार्ड डिस्क कर लेंगे आप, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कर लेंगे, मोबाइल के मेमोरी कार्ड कर देंगे और कैमरे का मतलब जो है मेमोरी कार्ड आता है ये कर देते हैं। जैसे देखिए ये मेरे पास ये हार्ड डिस्क है सर, ये पुरानी हार्ड डिस्क होती है, इसको HDD बोलते हैं, ये हार्ड डिस्क है। ये इस हार्ड डिस्क में बहुत सारा पार्ट होता है और मेरे ख्याल से डेटा इसमें होता है। एक ये हम खोले हुए हैं, ये प्लेटर होता है ना, ये इसके अंदर जो डेटा होते हैं तो बहुत बार क्या करते हैं लोग, जैसे गोरखपुर हो गया, जैसे बिहार हो गया, बहुत सारी जगह क्या है कि अपने हाथ से खोल के डेटा रिकवर ना करना चाहते हैं, तो क्या ये बताइए डेटा खुद के खोल के रिकवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से बताइए सर। नहीं नहीं, इसमें कभी भी प्लेटर पे काम करने के लिए हेड अगर टूट जाता है, कोई दिक्कत होती है, तो इस पोर्शन को खोले ही ना। हार्ड डिस्क को मतलब डेटा आपको नुकसान हो जाए तो हार्ड डिस्क को टच मत करिए आप। हाँ जी हाँ जी, अगर कार्ड लेवल की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कार्ड होता है आपका, जो कार्ड है ऊपर लीजिए वहाँ से। अच्छा, ये कार्ड है। हाँ, हाँ। इसके कार्ड में अगर कोई दिक्कत है तो हाँ। वो चेक करवा लीजिए अपने एरिया में। हाँ। अगर हेड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हार्ड डिस्क में, मतलब इस हार्ड डिस्क के अंदर इस एरिया को ओपन ही ना करें। नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड डिस्क के पावर सप्लाई यूनिट अगर है, हाँ। ये मतलब देखिए ये दिख रहा ना पावर सप्लाई यूनिट, इसके अंदर कोई आईसी खराब है, कुछ सर्किट खराब अगर है इसको रिपेयर कर सकते हैं अगर संभावना है तो, क्योंकि डेटा इसके अंदर नहीं होता है, ये पावर वाला सेक्शन है। ये डेटा कहाँ होता है? डेटा आपका होता है इस सेक्शन में होता है, जहाँ पर देखिए दिख रहा है डेटा आपका दिख रहा है, ये प्लेटर के ऊपर डेटा होता है ना। ये अगर इसमें दिक्कत अगर आएगा तो आपका डेटा नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अगर प्रॉब्लम आता है इसको टच मत करिए सर, बता रहे हैं। ठीक है सर, अभी बताइए ये हार्ड डिस्क हो गया हमारे पास, आज के डेट में बात लोग करते हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप स्पीड पाने के लिए ना SSD लगवाते हैं, चाहे SSD 60 SSD हो जाए, चाहे M.2 SSD हो जाए, चाहे NVMe SSD हो जाए, ये दिख रहा है ये। तो लोग कहते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर ईजी है रिकवर कराना, तो ये क्या SSD जो ये दिया हुआ NVMe, इसमें डेटा रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कभी डेटा रिकवर हो जाता है, लेकिन अभी बाहर से जो टूल्स वगैरह चाइना वगैरह से प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भी इसका SSD का प्रोविज़न अभी ज़्यादा नहीं है। लोग कहते हैं जैसे मैं UP गोरखपुर से हूँ, हमारे वहाँ अगर इसमें डेटा पड़ा हुआ है, अगर डेटा लॉस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो बोलते हैं डेटा इसमें रिकवर नहीं हो पाएगा, हिम्मत लगवाइए, ये तो संभावना है इसके अंदर भी डेटा रिकवर होने की? इसमें 50% तक रिकवरी हमारे यहाँ हो जाती है। अच्छा, M.2 SSD के अंदर जो है 50% तक चांसेस है कि आपके वहाँ हो जाएगी रिकवरी जाएगी। तो आप लोग कैसे रिकवर करते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास ये M.2 पड़ा हुआ है, ये हमारे लैपटॉप में लगा हुआ है, ये डेड हो गया, मतलब ऑन नहीं हो रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो क्या सिस्टम आप लोग करते हैं इसको डेड होने के? देखो, इसमें अगर फॉर्मेट
होगी, डिलीट होगी, तो अभी डाटा निकलने का कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं इसमें डाटा निकलने। अच्छा, फॉर्मेट अगर हो गया, डिलीट हो गया, तो कोई सॉफ्टवेयर से नहीं निकल? नहीं नहीं नहीं, अभी रिकवरी नहीं हो पा रही है इसकी। अच्छा, ठीक है ना। कुछ केसेस में रिकवर हो जाता है, नहीं तो ये रिकवर नहीं हो पा रहे। अच्छा, जो लोग SSD लगवा रहे हैं मतलब वो डेटा उनका रिस्क के ऊपर। हाँ हाँ। और हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा नहीं होता, हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आता है? हार्ड डिस्क में सारी 99% तक उसकी पॉसिबल है, रिकवरी हो जाती है आपकी। अच्छा, और इसके अंदर जो है डेटा रिकवरी संभावना जो है चांसेस कम इसके अंदर। हाँ। है, ठीक है। लोग कहते हैं कि इसमें स्पीड मिलता है, इसमें स्पीड नहीं लगता, लोग यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ जा रहे हैं, तो मतलब ये हो सकता है कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगाना चाहिए और इसमें दोनों लगाना चाहिए क्या? दोनों लगानी चाहिए, दोनों लगानी चाहिए। और इसमें विंडो लोड करिए, उसमें लगाइए, ठीक है। तो सर एक बार पहले अपना पूरा मशीन हमको दिखा दीजिए, फिर हम जो है फिर हम बात करते हैं आगे बताते। ये पूरा अभी क्या काम चल रहा है पूरा आपका? ये सारा रिकवरी चल रहा है, इसमें अंदर कार्ड लगे हुए हैं जो कुछ कंपनी, जो MRT है, PC 3000 है। अच्छा, ये मतलब डेटा रिकवरी काम चल रहा है यहां पे हार्ड डिस्क के माध्यम से? उनके कार्ड लगे होते हैं। अच्छा, ये काफी कॉस्टली होते हैं, इनके थ्रू ये हेल्प करते हैं हमें डाटा रिकवरी के। कंप्यूटर के अंदर जो कार्ड दिख रहे हैं, कौन से कार्ड लगे हुए हैं सर? ये इससे रिकवरी से रिलेटेड ही है। अच्छा, रिकवरी से रिलेटेड कार्ड है ये, कंप्यूटर में लगा हुआ है और ये जो कार्ड होता है डेटा रिकवर हो रहा है। हां जी, तो ये जो कार्ड मिल जाता है इंडिया में मिल जाता है कि बाहर से कार्ड आता है? नहीं, ये सारा रशिया चाइना वहां से अरेंज करने पड़ते हैं, अरेंज कर लेते हैं, इसके बाद ही कार्ड रिकवरता है। ये मशीन लगाना पड़ता है ये, तो मतलब ये हार्ड डिस्क लगा हुआ, देखिए यहाँ लगा हुआ हार्ड डिस्क, लगा हुआ ये हार्ड डिस्क लगा हुआ, ये सब क्या डेटा रिकवर हो रहे हैं? हां, ये सबका डेटा रिकवर हो रहा है। अच्छा, डेटा रिकवर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें सर एक मशीन मेरे हाथ में ये दिख रही है, ये NV में लगा हुआ है, ये अभी न्यू मशीन है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है SATA 2 USB NVMe स्मार्ट। अच्छा, न्यू मशीन है ये? ये NVMe वगैरह को लगा के हम लोग मशीन के थ्रू इसको साटा के थ्रू अटैच कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके माध्यम से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं? हाँ, ये पेन ड्राइव वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ USB पे। हाँ, ये इसके थ्रू सारा उसमें साटा में कन्वर्ट हो जाता है, आपका साटा में रिकवर हो सकता है। ये देखिए, ये एक डिवाइस है ये। अच्छा, ये सब बाहर से आता है सर? प्रोटोटाइप ये हो चुका है इसके वाला। फिर देख रहा हूँ सर, ये मतलब जैसे ये हार्ड डिस्क का पूरा डिपार्टमेंट है? ये सारे कार्ड हैं उसके, ये सब रिपेयर हो जाते हैं कार्ड आपके वहाँ पे सर? कार्ड रिपेयर नहीं, मेन इसका डाटा रिकवर के लिए वो होता है, यूज होता है। अच्छा, इसको रखे रहते हैं, इसको रिपेयर भी ना हो तो सेम कार्ड होते हैं तो उनको चेंज करके। अब मान लीजिए जैसे ये हार्ड डिस्क मेरे हाथ में सर, ये हार्ड डिस्क है, ये आपने बताया कि हार्ड डिस्क के अंदर ये पावर सेक्शन होता है, इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको आप जो रिपेयर कर लीजिए। अब मान लीजिए डेटा कहाँ होता है इसमें? डेटा मेन इस प्लेटर के ऊपर होता है। अच्छा, ये डेटा यहाँ होता है, इसको नहीं टच करना है, मतलब इसको खोलना नहीं है? इसको नहीं खोलना है गलती से भी, इसमें डस्ट चली जाती है तो फिर उसके बाद हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। अच्छा, और डाटा निकलने के चांसेस बहुत। ये हेड हो गया आपका? ये हेड हो गया जो रीड करता है डाटा को। अच्छा अच्छा, ये हेड हो गया मतलब ये मैग्नेट हो गया, मतलब इसके माध्यम से जो पुराना हार्ड डिस्क होता है इसमें डेटा रिकवर कर सकते थे। पूरी मशीन आपको सही लगाने चेक करने की जरूरत है? सारा पूरा आप लोग कर लेते एकदम पूरा यहाँ पे, ये रिकवर हो गया। और ये फिर सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, देखिए इसमें कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है सर? ये सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन होता है कि आप लोग खरीदते हैं सॉफ्टवेयर? सारे पेड वर्जन होते हैं। अच्छा, ये सब ये इंडियन माल है कि बाहर से आता है सर ये सब सॉफ्टवेयर जो है ये आपके? सॉफ्टवेयर सारे बाहर से मोस्टली मिलते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ इंडिया में भी है। हाँ, कुछ कंपनी इंडियन है। हाँ, कुछ ऑनलाइन भी मिलते हैं पेड करके, तो सारे सॉफ्टवेयर मिल जाए। जैसे हमारे वीडियो को ना पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग देखते रहते हैं वीडियो को, मान लीजिए कि कोई आदमी गुवाहाटी से देख रहा है, कोई आदमी जो है मुंबई से देख रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि अगर डेटा रिकवरी उनके यहाँ लोकल नहीं हो पाता, वो लोग जो दिल्ली चले हैं दिल्ली के अंदर जो है डेटा रिकवरी हो जाएगा। लोग कहते हैं दिल्ली में आने के बाद में लोग चीटिंग कर लेते हैं, ये बात एक आती है, तो कैसे गारंटी कोई करे कि आप लोग जो काम कर रहे हैं सत्य काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, कैसे पॉसिबिलिटी है मतलब? मान लीजिए उसमें सीधा सा है, अगर किसी का डाटा रिकवर नहीं होता तो हम कोई पैसे नहीं लेते उनसे। अच्छा, कोई मतलब आपके पास कोई डेटा लेकर आता है और रिकवर नहीं होता उससे पैसे नहीं लेते हैं? अगर एडवांस कुछ लिया तो रिफंड कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। अब मान लीजिए हमारे वीडियो कोई जो है त्रिपुरा से देख रहा है, हमारे वीडियो कोई जो है कलकत्ता से देखता रहता है, वीडियो देखता है और वो चाहता है कि अपना डेटा रिकवरी कराने के लिए, तो वहाँ से कोई डेटा लेकर आएगा तो किराया भाड़ा इतना लग जाएगा, पॉसिबिलिटी हो पाएगा, तो कैसे माने कोई ऑप्शन आपके पास है कि मतलब वहाँ से फोन करें आप जो कुरियर कर दे डेटा मतलब? कुरियर कर दो, SSD तो टूटने के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा, नॉर्मल हार्ड डिस्क का तो हेडवेड टूट जाता है कुरियर में फिर भी। हाँ, पर SSD तो नॉर्मली आ सकती है, आपके एड्रेस पे कुरियर कर देगी। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे कितनी वो है मतलब कि विश्वास की पात्र है कि मतलब कि आपके पास सामान भेजे तो सही सलामत मिल जाएगा आपको उनका डेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो कितने विश्वास पात्र? SSD का भी 50% नहीं, कितना विश्वास पात्र आप? आपके लोग कैसे विश्वास क्यों करें सर? मान लीजिए कि आप काम कर रहे थे जहाँ से, आप कोई आपको नेहरू प्रेस भेजता है डेटा, अपना हार्ड डिस्क भेजता है, कैसे विश्वास करेगा ऊपर कि आप जेन्युइन आदमी हैं? देखो जेन्युइन तो क्या, उसमें हमारे गूगल पे रिव्यू देखिए। हाँ ठीक है, अभी तक जितने लोगों ने काम करवाया सबके रिव्यू हैं गूगल पे, आप चेक करिए, देख सकते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए मैं दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको, इनके दुकान का ये डिटेल दिया हुआ है, ये अगर ध्यान से देखेंगे ये तो इसको दुकान का दिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ राज तनवर, मोबाइल नंबर इनका दिया हुआ 9810375312, एक मेन नंबर है और एक नंबर इनका और दिया हुआ है, कभी इमरजेंसी नंबर है सर ये दूसरा वाला नंबर दे दो आपका ना पूरा? हाँ हाँ,
8929735312 अपेक्षा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन द डेटा रिकवरी, और इनका एड्रेस दिया हुआ है नीचे 105 सरस्वती हाउस 27 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। ये कार्ड मैं लगा भी दूंगा ये, ठीक है। ये फिर देखिए ये मेमोरी कार्ड भी लगा रखे हैं सर ये, हाँ। तो मान लीजिए जो कैमरे होते हैं DSLR कैमरे होते हैं उसमें मेमोरी कार्ड लगते हैं, बहुत छोटा सा होता है, तो ये सब भी टूटने उठने में रिकवर हो जाता है सर, ये सब कैसे क्या हो पाता है? नहीं, टूटने के बाद रिकवर नहीं होता। अच्छा, टूटने में रिकवर नहीं होता, जैसे डिटेक्शन चली गई, हाँ, या फिर कुछ लोग कैमरे से फॉर्मेट कर देते हैं, हाँ, तो ऐसे केसेस में डाटा निकल जाता है सारा, डाटा मेमोरी कार्ड से निकल जाता है। अब मान लीजिए जैसे ये पार्ट है, ये जैसे ये NVMe SSD मान ली दिया हुआ है, इसमें छोटे छोटे IC दिए हुए हैं, तो कौन सा पार्ट इसमें खराब हो जाता है फिर डाटा रिकवरी होने की संभावना कम हो जाता है? इसमें मेन जो चिप है ये वाली है जिसमें डाटा है, अगर यही खराब हो गई तो डाटा नहीं निकल पाता उसमें। अच्छा, जो मेन चीप है जिसमें डाटा रिकवरी वाला है, अगर वो खराब हो जाएगा नहीं हो पाएगा उसमें, और छोटा मोटा प्रॉब्लम बाकी और किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो वो रिकवर हो जाएगा, संभावना है। संभावना है कि मतलब आप लोग काम करके ऊपर जो है उसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस अगर पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी को पहुँचना अगर हो तो क्या लैंडमार्क बताएंगे इसके बारे में, जैसे कि जैसे कोई अगर पहुंचना चाहे यहाँ पे आपकी दुकान पहुंचना चाहिए, हाँ, तो कैसे क्या लैंडमार्क है? नेहरू प्लेस आए, सीधा नेहरू प्लेस आगे सोना स्ट्रीट्स पे, मतलब वो दिल्ली पहुंचे, हाँ, और दिल्ली पहुंच के मेट्रो पकड़ ले, और मेट्रो पकड़ के जो है नेहरू प्लेस आ जाए, हाँ, और नेहरू प्लेस आने के बाद में किसी से पूछे सोना स्वीट्स पे जाना है। अच्छा, नेहरू प्लेस आने के पूछे सोना स्वीट्स पे जाना है, हाँ, और सोना स्वीट जाने सोना स्वीट्स के जस्ट सुपर ही है, अपेक्षा कंप्यूटर है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितने बजे खुल जाता है आपका मतलब शॉप? ये सुबह 11 से 7 बजे तक का टाइम। अच्छा, 11 खोल लेते हैं, शाम के 7 बजे खुल जाते हैं। बंदी किस दिन सर रहती है आपकी? संडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी संडे पहुंचे फिर क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है, संडे को दिल्ली पहुंच गया, संडे को रुकना पड़ेगा, फिर उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम है, फोन करके आपको जो है सोल्यूशन ले लिया कुछ की सर मेरा ये हार्ड डिस्क? फोन तो संडे को भी ओपन ही रहता है, अगर कोई बात करेंगे तो मैं उनको अटेंड कर लूंगा, अटेंड कर लेंगे ये, ठीक है। तो मशीनें सर जो लगा रखी है बहुत महंगी मशीनें हैं क्या? ये जो मशीनें दिख रही हैं, जैसे ये जो मशीनें अंदर दिख रही हैं सारी दिख रही हैं मशीनें, कॉस्टली कार्ड वगैरह आते हैं जो कॉस्टली हैं काफी, तो ये सब रिकवरी के लिए काम होते हैं? हाँ, सारा रिकवरी का ही सेटअप है। अच्छा, पूरा पूरा देख लेंगे, ये पूरा हार्ड डिस्क आपका रिकवरी करने के लिए आया हुआ क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा रिकवर हो रहा है ये। तो कहाँ कहाँ से काम आपका बेसिकली आता रहता है, मतलब इंडिया किस कोने में कहाँ से काम? ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है काम, ऑल ओवर इंडिया से काम आता रहता है और सोल्यूशन देते हैं। नेपाल तक का आता है, नेपाल के लोग भी आ रहे हैं कुछ। मान लीजिए आपका मोटा मोटी जो है 10 काम आया, 10 काम में से कितने काम जो है आप रिकवर कर देते हैं? 10 में से 9 काम हो जाते हैं। 9 काम हो जाते हैं, इतना काम, इतना कॉन्फिडेंस आप? एक काम से बसता रहता है, ठीक है सर। ये राज जी थे देख ले, इन्होंने जो है, और हाँ सर, ये पेन ड्राइव एक इंपॉर्टेंट होता है, पेन ड्राइव जो होता है, जैसे ये पेन ड्राइव लगा हुआ है, पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव के अंदर भी डेटा बहुत होते रहते हैं, तो क्या पेन ड्राइव के डेटा रिकवर हो जाते हैं सर? पेन ड्राइव का डाटा रिकवर हो जाता है, हो जाता है। उसमें क्या हो जाए तो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा पेन ड्राइव में? एक तो टूटने पे रिकवर नहीं हो पाता होगा, टूटने पे नहीं हो पाता है, पेन ड्राइव अगर डिटेक्शन नहीं आ रही है, हाँ, और उसका डायग्राम वगैरह अवेलेबल नहीं है, हाँ, उस केस में भी डाटा नहीं। लीजिए कि कोई आदमी जो है हमें आपको फोन करता है कलकत्ता से कि सर मेरे पास डेटा पड़ा हुआ SSD है 120 GB का है, इसको रिकवर कराना है, तो आपको फोन करेगा वो पहले ही, वो फोन करके आप उसको एड्रेस बताएगा, आपसे लेगा, अब वो आपका भेजेगा, भेजने के बाद हम चेक करेंगे, फिर उनको प्राइस बताते हैं, तो प्राइस बताते हैं, फिर प्राइस होने के बाद तो क्या उनको पैसा पहले भेजना पड़ता है कि मतलब होने के बाद काम? नहीं, एडवांस लेते हैं हम सबसे। अच्छा, एडवांस लेते हैं, अगर काम नहीं होता पैसा रिटर्न कर देते, रिफंड कर देते। कुछ पैसा काटते भी उसमें आप है? नहीं, कुछ नहीं काटते, कुछ नहीं काटते एकदम, तो रिकवर कर सकते हैं। तो अगर मतलब पूरे इंडिया से किसी डेटा रिकवरी का अगर प्रॉब्लम अगर है तो आपसे संपर्क कर सकता है, मुझे लगता है कि आप उस पर डेटा रिकवरी उसको पूरा सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं भी एक बार दुकान दिखा देता हूँ इनका, मैं कहाँ पे है ये देखिए, बाहर चल के दिखाता हूँ, दिखा दो दुकान आपका मैं, दिखा दो, दिखाइए चल रहा है। ये लिखा हुआ डेटा रिकवरी सोल्यूशन दैट ओनली इम्प्रेस, और ये हार्ड डिस्क का लोकेशन है, ये देख सकते हैं, ये मशीन लगी हुई है, और मैं दिखाता हूँ ये दुकान, देखिए ये देखिए लिखा हुआ है डेटा रिकवरी अपेक्षा कंप्यूटर सरस्वती हाउस नेहरू प्लेस, ये स्टोर है, ये दिया मुझे जो है रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, देख लिए आपका जो है पूरा पूरा ये लगा हुआ है सर का, और मैं पूरा ही मार्केट सर्च किया हूँ, मुझे लगा कंप्यूटर सेल करने की दुकान मिला मुझे है, SML कंप्यूटर सेल करने है, रिकवरी करना बहुत लिमिटेड दुकान है गोरखपुर नेहरू प्लेस के अंदर, तो उसमें ये भी मिल चुका है, ठीक है, ये सारा चीज़ था। और ये देख लिया आपने पूरा मशीनें, यहाँ देखिए ये पूरा ये मशीन रखा हुआ इनके पास में, ये मशीन है, और इसके बाद ये मशीनें हैं, और ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये रिकवर कर रहे हैं ये,
ठीक है। चेहरा आपका है, मैंने दिखा दिया, लोगों को दिखा दिया, मुझे लगता है कि अगर किसी को पहुंचना अगर होगा तो आसानी पहुंच सकते हैं ये, ठीक है, किया हुआ है। और अभी जो आपके रिपेयर करते मुझे बता रहे थे कि इसमें जो ये लगा हुआ डिवाइस लगा हुआ है, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका जो जो आई सी होता है इसमें डेटा रिकवर होता है, वो अगर खराब हो जाए तो संभावना कम होता है। उसके अलावा देखिए एक इसमें कंट्रोलर होता है, दिख रहा ना, ये छोटा कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर मतलब क्या हुआ, इस कंट्रोलर के माध्यम से इन सबका कंट्रोल किया जाता है। अगर ये कंट्रोलर सेम नहीं मिल पाएगा फिर डेटा रिकवरी होने की संभावना कम होता है। जो यहाँ पे एक्सपर्ट थे जो रिपेयर कर बता रहे मुझे, तो ठीक है ये देख लीजिए। सर जी मैं आपसे हाथ मिला लूँ? ओके सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे लगता है कि इस आपके एड्रेस को मैं दे दूंगा, और अपने जहाँ मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में रहता हूँ ना, वहाँ भी लोगों को एक कार्ड बांट दूंगा, 10-5 कार्ड मुझे दीजिएगा। क्योंकि देखता हूँ बहुत सारे लोगों का डेटा रिकवरी का दिक्कत आता रहता है ना, लोग सही है कि पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए उनका डेटा रिकवर हो नहीं पाता है। हो सके वीडियो के माध्यम से सही लोग पहुँचेंगे और आपका रिकवर करेंगे। और हाँ एक चीज़ बता दूँ सर, हमारे बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया वैसे देखते रहते हैं, अगर कोई आए कहे कि जोगिंदर ज्ञान जी का वीडियो देखकर मैं आया हुआ हूँ, हमें कोई डिस्काउंट दे दीजिए, तो प्लीज़ आपको उनको डिस्काउंट दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ डिस्काउंट, पूरा केयर करेंगे, पूरा केयर करिएगा हमारे कस्टमर लोग। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का वीडियो देखने के लिए। डेटा रिकवरी करवाना है SSD के अंदर, M.2 के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर ना, तो एक बार आप प्रयास करिएगा और बात करिएगा, हो सके आपका डेटा रिकवर हो जाए दोस्तों। मेरा प्रयास रहता है आपको अच्छा सलूशन दे सकूं, और हो सके वीडियो के माध्यम से आपका भी सलूशन मिल सके दोस्तों। वीडियो पसंद आपको आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि डेटा रिकवरी कहाँ हो सके, तो दिल्ली में होता है दोस्तों। चलिए आप सबको नमस्ते, बहुत धन्यवाद सर आपको। ओके दोस्तों।